तो दोस्तों, आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर की जिन्होंने राजी और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी मूवी में काम करके लोगों का दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट मेल एक्टर्स का अवार्ड जीतने वाले विक्की कौशल जी की, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर बॉलीवुड में अपनी काफ़ी अच्छी पहचान बनाई और ये साबित कर दिया कि वह भी एक्टिंग में किसी से कम नहीं है। दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग ही ये बात जानते होंगे कि विक्की कौशल असल में एक इंजीनियर बनना चाहते थे और इन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इनकी इस मोटिवेशनल स्टोरी को और जानते हैं इनके जीरो से हीरो बनने तक के पूरे सफर को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ऊपर वाले बेल के आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, इनकी इस कहानी की शुरुआत होती है 16 मई 1988 को, जब इनका मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में जन्म हुआ। ये मुंबई के एक बस्ती के चौल में रहा करते थे। इनके पिता का नाम श्याम कौशल है, जो कि एक स्टंटमैन और एक्शन डायरेक्टर हैं, और इनकी माँ एक हाउसवाइफ हैं, और इनका एक छोटा भाई भी है जिनका नाम सनी कौशल है और वो भी एक एक्टर हैं। ये एक पंजाबी फैमिली से आते हैं क्योंकि इनके पिता का जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ था। इनके दादाजी चाहते थे कि इनके पिता श्याम कौशल एक लेक्चरर बने और उनकी मंथली फिक्स इनकम हो, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से इनके पिता को मुंबई आना पड़ा और यहाँ पर इन्होंने एक स्टंटमैन का काम किया और बाद में एक जाने माने एक्शन डायरेक्टर बने। दोस्तों, विक्की कौशल के पिता इन्हें एक इंजीनियर बनाना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। हालांकि बचपन से इन्हें एक्टिंग में भी काफ़ी लगाव था और स्कूल वगैरह में एक्टिंग करने का मौका ये कभी नहीं छोड़ते थे, लेकिन इन्होंने एक्टिंग को शुरुआत से इतना सीरियसली नहीं लिया। इसके बाद विक्की कौशल ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। फिर जब ये एक आईटी कंपनी में इंडस्ट्रियल विजिट पर गए तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि सारे इंजीनियर्स कंप्यूटर्स पर काम कर रहे थे। तब इन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि मैं ये 9 to 5 की जॉब नहीं कर सकता, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, और फिर यहीं से इनका मन एक्टिंग की तरफ हो गया। लेकिन जब इन्होंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो वो शॉक्ड रह गए, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे सब समझ गए। इसके बाद इन्होंने किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी को भी ज्वाइन किया और फिर एक्टिंग की बारीकियों को और पास से जानने के लिए इन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ बाचेपुर में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया। फिर वो समय भी आया जब इन्होंने 2012 में अनुराग कश्यप की ही फिल्म लव सबते चिकन खुराना के जरिए बॉलीवुड में एज ए सपोर्टिंग एक्टर डेब्यू किया। इस फिल्म में इनके काम को नोटिस किया गया और फिर बाद में गीक आउट और बॉम्बे वेलवेट जैसी फिल्मों में भी इन्होंने एज ए सपोर्टिंग एक्टर काम किया, लेकिन इन्हें पहचान मिली तो 2015 की फिल्म मसान से। इस फिल्म में इनके द्वारा निभाए गए किरदार को खूब पसंद किया गया और इसके लिए इन्हें आईफा एंड स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू जैसे 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया और एशियन फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट न्यूकमर के लिए भी इनका नामांकन किया गया। इसके बाद इन्होंने जुबान, रोमन राघव 2.0, लव पर स्क्वायर फुट, राजी, लस्ट स्टोरीज, संजू और मन मर्जियां जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया और राजी फिल्म में इनके अच्छे काम को देखते हुए ही डायरेक्टर आदित्य धर ने इन्हें अपनी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में एज ए लीड एक्टर कास्ट कर लिया। और जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो सुपर हिट साबित हुई। ये फिल्म इनके करियर की अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म से ये रातों रात सुपर स्टार बन गए। इसके लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर से सम्मानित भी किया गया और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर के लिए भी इनका नामांकन किया गया। इसके बाद इन्होंने भूत पार्ट 1, द हंटेड शिप और सरदार उधम जैसी कई फिल्मों में काम किया और खूब नाम कमाया। दोस्तों, अब इनके श्याम बहादुर, द ग्रेट इंडियन फैमिली और मिस्टर लेले मूवी आने वाली हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी आने वाली सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हों। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड के अपकमिंग सुपरस्टार विक्की कौशल की लाइफ हिस्टोरी, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल किया जिसे हासिल करने में लोगों को सालों लग जाते हैं। दोस्तों, आपको इनकी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ऊपर वाले बेल के आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी, तब तक के लिए बाय।